गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ मुहावरे। मुहावरे यानी कि इडियम्स। भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को आकर्षक ढंग से कम शब्दों में कह सकते हैं। जो वाक्यांश वाक्य में प्रयोग होकर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इनका प्रयोग हमेशा किसी न किसी वाक्य के भीतर होता है। अब निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ तथा प्रयोग सहित देखिए। पहला मुहावरा है अंग अंग टूटना, जिसका अर्थ होता है शरीर में दर्द होना। वाक्य इस प्रकार से है, शादी की दौड़ भाग में मेरा अंग अंग टूटने लगा है। दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, मतलब चिढ़ाना। काम निकल गया तो अब अंगूठा दिखा रहे हो। तीसरा मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला, यानी इकलौता पुत्र। श्याम अपने माता पिता का अंधेरे घर का उजाला है। अहंकार का पुतला, अर्थ होता है बहुत घमंडी। राघव तो अहंकार का पुतला है। कोल्हू का बैल, यानी कि बहुत मेहनती। अन्नू अपने सौतेले पुत्र से कोल्हू के बैल की तरह काम लेती है। कान भरना यानी शिकायत करना। सिमरन का तो काम ही एक दूसरे के कान भरना है। चिकना घड़ा यानी किसी की बात का असर न होना। यह तो चिकने घड़े के समान है, जितना मर्जी समझा लो कोई असर नहीं होता। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। राम सभी की आँखों का तारा है। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी ज़्यादा खाने वाले को कम देना। उस पेटू के लिए तो दो केले ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और दसवां मुहावरा है कमर टूटना, यानी निराश होना। बेटे की मृत्यु के बाद तो माता पिता की कमर ही टूट गई। तो बच्चों, ये थे 1 से लेकर 10 तक के मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग। आपको इस टर्म में सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के मुहावरे ही याद करने हैं। धन्यवाद।